फ्रेंड्स, माय नेम इज अमजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने कंटिन्यूस आउट परफॉर्म किया है मार्केट को और कंटिन्यूस अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। लगातार कंटिन्यूस अगर आप देखेंगे 2014 में 100 रुपये के करीब ये स्टॉक चलता था और आज की तारीख में अगर देखेंगे तो 1600 के करीब है, 52 वीक हाई के ऊपर है और कंटिन्यूस ऊपर की तरफ ही ये स्टॉक भागा है। इसे कह सकते हैं एक हीरा भी बोल सकते हैं, एक जेम बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कंटिन्यूस अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो अभी दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आए तो उसके भी बारे में बात करेंगे और डिविडेंड भी जो है कंपनी ने दिया है। तो नीचे के लेवल पे अगर आपको ये मिलता है या आपके पोर्टफोलियो में है तो मेरे हिसाब से होल्ड करिएगा और अच्छा रिटर्न यहाँ से ये कंपनी भी दे सकती है। और ये कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। 1628 के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग थी और 52 वीक हाई देखेंगे तो 1655 का था जो कि फ्राइडे का ही है। तो 52 वीक हायर लेवल्स के ऊपर ही ये स्टॉक चल रहा है और 52 वीक लो 1033। तो कंटिन्यूस ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ भागा है। TCS की तरह आरती इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी एक अच्छा स्टॉक बना हुआ है और आगे जाके इसके अंदर भी बायबैक आ सकते हैं, बोनस इशू आ सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं या नीचे के लेवल पे आते हैं तो लीजिएगा, लेकिन स्टॉक काफ़ी बेहतर है, नतीजे भी अच्छे आए हैं। तो यहाँ से अप ट्रेंड ही स्टॉक के अंदर लगता है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 13,000 करोड़ की कंपनी है, 5 रुपये का फेस वैल्यू है और डिविडेंड कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है वो लगभग 80% का है और 4 रुपये का डिविडेंड बनता है। तो ये आप देख सकते हैं और डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो 13 फरवरी 2019। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप 13 फरवरी तक होल्ड करिए ताकि आप एलिजिबल रह सकते हैं डिविडेंड के लिए। तो ये एक चीज़ थी और दूसरा जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है हर एक क्वार्टर के अंदर। तो उसी को देखते हुए स्टॉक के अंदर भी अप ट्रेंड या लोअर ट्रेंड आता है। इसका अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो 1268 करोड़ का टोटल इनकम था दिसंबर क्वार्टर में और सितंबर में 1299, जो कि ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और लास्ट ईयर 2017 में 991 करोड़ का जो है टोटल इनकम था, जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा है। और इनका अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 132 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, लास्ट क्वार्टर में 122, जो कि बड़ा है क्योंकि रेवेन्यूज लगभग सेम आए हैं, थोड़े से नीचे हैं लेकिन प्रॉफिट्स बड़ा है तो काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। और लास्ट ईयर 2017 में 19 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, जो कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। और यहाँ से ये स्टॉक जो है मुझे लगता है 1700 भी इजीली क्रॉस कर सकता है। तो जिसके पास भी स्टॉक है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए और हायर लेवल्स पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे लेना चाहिए ताकि प्रॉफिट भी बुक होते रहे और नीचे के लेवल पे भी ये स्टॉक मिलते रहे और कंटिन्यूस आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। तो जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में और इससे अच्छा रिटर्न मिले या कॉरपोरेट एक्शन जो भी होंगे, बोनस इशू, बायबैक, उसके अंदर भी बेनिफिट मिल सके। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।